हे गाइस, दिस इज़ मी अबूसर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि अभी आपने एक वीडियो प्रीव्यू देखा, अगर आपको इस तरह की वीडियो क्रिएट करना है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। और मैं इस वीडियो में बिल्कुल इजी वे बताऊंगा आपको इस वीडियो में कैसे आपको स्क्रिबल इफेक्ट लगाना है अपनी वीडियो के अंदर। और यहाँ पर मैं कोई 2, 3, 4, 5 एप्लीकेशन यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं बस एक ही एप्लीकेशन यूज़ करूँगा इस इफेक्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी जिसका नेम है स्क्रिबल। तो इसकी डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रिबल। आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का आइकन बनकर आ रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो में लगाना है तो आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, वीडियो बीटा टेस्ट वाला। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ऐड वगैरह आ रहा है तो आप उसे काट दीजिए। अगर आपका डेटा ऑन है तो ऐड आ जाएगा, क्योंकि ये एक फ्री वर्जन है तो इसमें वाटरमार्क भी आता है और एड्स भी आते हैं। तो वाटरमार्क कैसे हटाना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद जिस वीडियो में भी आप ग्लोइंग स्क्रिबल इफेक्ट लगाना चाहते हैं उस वीडियो को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे टिक करना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपको अपनी वीडियो को क्रॉप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऊपर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो प्रोसेस हो चुकी है और ये वीडियो जो है वो फ्रेम्स में चेंज हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी जो वीडियो वो फ्रेम्स में आ गई है। नीचे आपको 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग आ रही होगी। तो ये जितने भी आपकी वीडियो के फ्रेम्स हैं और आपको हर फ्रेम पर ड्रॉ करना पड़ेगा और ये बहुत ही ईजी है। बस आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है कि मैं किस टाइप से कर रहा हूँ, उसके बाद आप ईजिली इफेक्ट बना लेंगे। तो पहले तो आपको वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कहाँ से वीडियो में ड्रॉ करना है। तो वहाँ पे आप जाके पॉज कर लीजिए वीडियो को। उसके बाद आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं आपको एक छोटा सा लोगो बनकर आ रहा है एरो का। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस बनकर आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं रीडो का, अंडो का, इरेजर का और कलर का, और यहाँ पर पेंसिल का भी लोगो आ रहा है। तो यहाँ पे आप पहले कलर सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा कलर चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आखिरी वाला ऑप्शन आ रहा है पेंट वाला, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको और भी एडवांस सेटिंग्स मिल जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा यहाँ पे साइज़ रखना है इसका, और एड ग्लो पाथ जो आपको दिख रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो ग्लो वाला इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको ग्लो वाला ऑप्शन ऑन रखना है तो आप इसे ऑन भी रख सकते हैं। इसके बाद बस यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप इसका साइज़ लगभग 20 के आसपास रखें, और आपको कहीं छोटी चीज़ पे करना तो आप वहाँ पे 17-18 भी कर सकते हैं। तो अभी आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं मैं किस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको एक फ्रेम पहले सिलेक्ट कर लेना है और उस फ्रेम में जहाँ पे आपको इफेक्ट लगाना है पहले आप उस फ्रेम को जूम करके भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको जूम करना है तो ईजिली वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करने लग रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप एक फ्रेम में बना लें फिर आपको दूसरा फ्रेम पर क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं आपका जो प्रीवियस वाला है वो थोड़ा सा लाइट दिख रहा है ताकि आप उसके आसपास मिला के बना सकें। तो आपको ऐसे ही यहाँ पर भी ड्रॉ कर देना, और ऐसे ही करते करते आपको और भी फ्रेम्स पर करना है। अगर आपको 1 सेकंड की वीडियो बनाना है तो वहाँ पे आपको 30 फ्रेम्स मिलेंगे, तो आपको 30 फ्रेम पर करना है, या फिर आप चाहते हैं थोड़ा थोड़ा फ्रेम छोड़ दें, एक फ्रेम छोड़कर भी बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप बीच बीच में भी कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बस एक ही कलर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको जो सा भी कलर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और आपको जो भी एनिमेशन चाहिए वहाँ पे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जल्दी में करेंगे तो आपकी वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं यहाँ पर पूरा वीडियो में फ्रेम्स ड्रॉ कर ले रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड पर लगा देता हूँ।
तो फाइनली यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेम्स सा ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आपको इससे भी और अच्छा बनाना है तो यहाँ पे भी आपको भी टाइम देना पड़ेगा और आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आप कितनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं। तो आपने देख लिया हमने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की मदद से कितनी आसानी से इसे बना लिया। आपने ऐसी वीडियोस कई सारी देखी होंगी, डांस की वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पे कुछ इफेक्ट आता है, या फिर टिकटॉक पर देखी होंगी, वहाँ पे भी ऐसा कुछ इफेक्ट आता है। तो वीडियो कंप्लीट करने बाद आप ऊपर की तरफ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिए, जो आपका वाटरमार्क वाला ऑप्शन है इसे आप अनटिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे अनटिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऐड देखने के लिए पूछेगा, तो आप ऐड देख लीजिए, उसके बाद आपकी वीडियो में वाटरमार्क नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लो, सभी का यूज़र नेम सेम है @ techabuzer।